नमस्कार दोस्तों, शादीशुदा महिलाओं के लिए जो करवा चौथ का व्रत रहता है दोस्तों, सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। मान्यता है दोस्तों कि करवा चौथ का व्रत रखने से दाम्पत्य जीवन में खुशी आती है, अर्थात पति और पत्नी के बीच के जो प्रेम संबंध है वो प्रगाढ़ होते हैं। सुहागिन स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती है। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। इस साल करवा चौथ का जो व्रत है 4 नवंबर बुधवार को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुबह उठकर जल्द ही स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद साफ कपड़े धारण करने चाहिए। इस दिन घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाए और चावल को पीस कर उससे करवा का चित्र बनाए दोस्तों। इसे करवा धरना कहा जाता है। शाम को माँ पार्वती और शिव की कोई ऐसी फोटो लकड़ी के आसन पर रखें जिससे भगवान गणेश माँ पार्वती की गोद में बैठे हो। इसके बाद कोरे करवा में जल भरकर करवा चौथ व्रत कथा सुने या पढ़े, माँ पार्वती की श्रृंगार सामग्री चढ़ाए या उनका श्रृंगार करें। इसके बाद माँ पार्वती, भगवान गणेश और शिव की पूजा करें। चंद्रोदय के बाद दोस्तों चांद की पूजा करें और अर्घ दें। इस व्रत में पति के हाथ से पानी पीकर या निवाला खाकर अपना व्रत खोले। पूजन के बाद सास ससुर और घर के जो बड़े सदस्य रहते हैं उनका आशीर्वाद ले। दोस्तों, 2020 का जो ये करवा चौथ है कई मायने में खास है, क्योंकि इस दिन जो ग्रहों की राशियां है वो काफ़ी ही अनुकूल पड़ रही है। तो इस संबंध में ऐसी मान्यता आ रही है दोस्तों कि ये व्रत करने से पति पत्नी के बीच जो प्रेम संबंध रहेंगे वो काफ़ी बढ़ने वाले हैं। इस साल करवा चौथ व्रत पर पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम के 5:29 से 6:48 तक रहेगा दोस्तों। इस दिन चंद्रमा जो रात रहेंगे 8:16 पर होगा दोस्तों। पांचांग के मुताबिक भी दोस्तों चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है 4 नवंबर को 3:24 पर होगा और चतुर्थी तिथि 5 नवंबर तक शाम 5:14 तक रहेगी। करवा चौथ के व्रत में विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए और इस दिन संपूर्ण शिव परिवार के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा करनी चाहिए दोस्तों। पुष्प, मिष्ठान और घर में बने भोजन और पकवानों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद व्रत की कथा का पाठ किया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो हमारे चैनल को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।